दोस्तों अभी हम आए MI रोड पे, बहुत फेमस है जयपुर की मार्केट, राज मंदिर थिएटर, जो कि वर्ल्ड फेमस कह सकते हैं, जिसमें अभी भी DDLJ लगी हुई थी, बिल्कुल उसके पास में MI रोड है। यहाँ पे है जेम्स मार्केट, हम आए थे अभी जेम पैलेस में। हमारे एक नॉन ने यहाँ का एक रेफरेंस दिया था, हमने जस्ट ये विजिट की। शॉप बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छी कलेक्शन है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, एवरी काइंड ऑफ ज्वेलरी, राजस्थानी ट्रेडिशनल ज्वेलरी, मॉडर्न ज्वेलरी, सब कुछ है इनके पास। और ऑनर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से एंटरटेन किया, जो हमारी क्वेरी थी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो रियली लाइक दिस प्लेस, बट अगेन इट्स अ ज्वेलरी थिंग, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वी आर स्टिल सर्चिंग। अगर हमें कुछ अच्छा एक सुविधा टाइप मिल जाए जो हमारे बजट में भी हो। बाकी मैं कलेक्शन आपको दिखाता हूँ अंदर की, बहुत अच्छी कलेक्शन है। लिखाओ वो ये रे एलिफेंट्स, ये रे। अरे ये तो ये भी है, मैं आपको और बताता पूरी फैमिली को बताता हूं। आओ, आया अभी, बहुत अच्छी शॉप है ना, बट किसी चीज को टच नहीं करना। हिप्पो फैमिली, राइनो फैमिली। पापा अब मैं बताता हूं आपको, इससे और चाची भी नहीं है। कुछ पसंद है तो ले लो, इतने अच्छी चीजें दिखा रहे हैं, अगर कुछ जेन्युइन लग रहा है और बजट में लग रहा है तो ले भी लो। तभी देख रही हूं मैं, ये देख रही हूं अगर ये बजट में लगे तो। चांदी तभी छुपा के सिल्वर के लिए, और टर्कवाइज है, कोरल है, ये है, कई बार नेचुरली स्टोन में होता है स्टोन। तो इस बार की जयपुर ट्रिप पे हमने सोचा था हम कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जो अभी तक हमने नहीं देखी, तो MI रोड उसमें से एक हमारी टू डू लिस्ट में था। बहुत बड़ी मार्केट एरिया है ये, आप कह सकते हो इट्स लाइक CP ऑफ जयपुर, जैसे हमारा दिल्ली में CP है वैसे यहाँ पे जयपुर का CP अगर हम बोलेंगे तो दिस इज़ दी MI मार्केट। ज्वेलरी शॉप्स है, क्लोथ शॉप्स है, हर टाइप की शॉप्स है। तो जयपुर के कनॉट प्लेस के बाद अब हम पहुँच गए एक रीजनेबल मार्केट, बापू बाज़ार। ये फेमस है लेडीज ड्रेस मटेरियल के लिए, जुतियों के लिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए, ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट सामान, हैंडीक्राफ्ट सामान सब यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ पे अगर आप आए हो तो बार्गेनिंग बहुत चलेगी, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, कई बार डबल ट्रिपल रेट पे भी आपको कोट किया जाएगा, और अगर आप लेने वाले हो तो आपको आधे रेट पे भी दे दिया जाएगा, तो इस बात का पूरा ध्यान रखना। बाकी वैरायटी बहुत है, एक बड़ी सी स्ट्रीट है और बहुत सी शॉप्स है यहाँ पर।
हमारे साथ साथ जो लेडीज डिपार्टमेंट आया है सब यहाँ पे मतलब देख रहे हैं कुछ पसंद आए उनको और बार्गेनिंग की जब बात होगी देन वी विल कम इनटू द पिक्चर। आ रहा भी पसंद अभी नहीं आया भैया, बढ़िया वैरायटी दिखाओ भैया, यूट्यूब डालो देखेंगे, जरूरी नहीं है। मेरे चैनल का नाम तो बताओ, कपल बाय नेचर। तो यहाँ पे सारी शॉप्स पे एक जैसा सामान है तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते कौन सी शॉप में एंटर करें। ये शॉप हमें बड़ी लगी थी, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा इनके पास, तो हमने यहाँ एंटर किए। लेट्स सी कुछ पसंद आते हैं या नहीं। बाकी शॉप बहुत अच्छी है, काफ़ी कलेक्शन है इनके पास। ये अच्छा लग रहा है, ये वाला लाइट वाला, लाइट वाला। सत्या जी गुरंगा जी मिले ने, जयपुर के सरदार भाई मिले ने, बड़ी खुशी हो रही है। इन्होंने सानू पहचान लिया, मास्क पा के पहचान लिया। देखो जी मास्क जी पहचान लेते हैं, दोस्तों शॉपिंग कर रहे हैं। दसो कुछ जयपुर का एक्सपीरियंस कितना रहे हैं? असं फोर फर्स्ट टाइम जयपुर आए हैं, तो मापू बाजार घूम रहे हैं। एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस, इट्स अ वेरी गुड सिटी, क्लीन सिटी। अगर किसी को भी घूमने वास्ते दो तीन दिन वास्ते आना है दिल्ली से पॉल्यूशन तो दूर, इट इज अ वेरी नाइस प्लेस टू रोम अराउंड। लोग भी अच्छे हैं, सिंपल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। द वे दे ग्रीट अस बहुत चंगा, बहुत अच्छा लगा। नाम हमसा करते हैं, इस तरीके से लगता सी कि थ्योरी आ गया। बहुत चंगे, बहुत चंगे तरीके से लोग वेलकम करते हैं, तो ग्रीट करते हैं। बड़ी चंगी जगह, जिसको भी आना कपल मेरे जरा चैनल सब्सक्राइब किया जाए, तो जो भी एडवाइस लेने को लिखी जाए। बड़े चंगे बंदे ने, मैं इन्होंने बड़े टाइम तो फॉलो कर रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी विद द एक्सपीरियंस दैट आई एम हैविंग हियर। थैंक्स, थैंक्स वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू। शूट का क्या कितना रहते हैं? 1200 का शूट, ठीक है। ये लो मैडम आपका, ये सेम ही है। बहन तेरा कौन सा था? आपका ये वाला जो आपके आपका है। थोड़ा सा डिफरेंट था, एक वो लेकर आया था ना, वो तो सूट है। नहीं नहीं सेम लेकर आया था, अच्छा लग रहा है। एक्चुअली क्या वो हमारे भैया चले गए। अच्छा, कार्ड वार्ड लेना चाहिए यार। अच्छा एक शॉप का नाम बता दो। साइलेंट हेवन। शॉप नंबर 33 एंड 34 बापू बाजार। थैंक यू। तो शॉपिंग इज डन, 10 बजने वाले हैं, शॉप भी क्लोज हो रही है। हमें एक टॉय लेना था इसके लिए, भैया बस शॉप बंद ही कर रहे थे, उन्होंने हमने रिक्वेस्ट करी तो ओपन कर दिया और अच्छी चीज़ हमें फटाफट मिल गई है। तो लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, सिंपल लोग हैं। लाइट सब बंद है तो डार्क में शूट हो रही है। नाउ अब चलते हैं अपने होटल और बाकी आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, अब लगे जंतर मंतर, आमेर फोर्ट, सिटी पैलेस। राजस्थान ले लो, दो और बताओ। एक ही ले लूं, खम्मा गणी नहीं, खम्मा गणी नहीं, एक हवा महल या वो, हाँ एक हवा महल या कोई, आमेर फोर्ट ले लो। आमेर फोर्ट ले लूं, हाँ ये ले लो। और तीन हो गए। पहचान हो, हम कहाँ पर हैं? बहुत हवा आ रही है, पसीने आ रहे हैं। नाइट व्यू अच्छा है यहाँ का, लाइट जल रही है काफ़ी। दिन में हमें चांस मिल नहीं पाया विजिट करने का, तो हम रात में आ गए देखने के लिए।
फोटो क्लिक करते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बापू बाजार में हमारे सब्सक्राइबर मिले, दिल्ली से आए थे वो भी, उन्होंने हमें पहचान लिया जबकि हमने मास्क पहना हुआ था। काफी अच्छी उन्होंने हमसे बातें करी, हमें गुड विशेस दी, तो अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है कि लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। बाकी सच में बाजार काफी अच्छा है, लोग काफी अच्छे हैं, यहाँ पे बार्गेनिंग हो जाती है, मटेरियल क्वालिटी अच्छी है। और अब बस हम सोने की तैयारी करते हैं, डिनर डुनर हमने कर लिया है और आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। स्पेशल जगह जाने का सोचा, आपको कल बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।